आज आप लोग जो है किसान पदयात्रा निकाले हुए हैं, आखिर क्या स्थिति निर्मित हुई कि पदयात्रा निकालना पड़ा और इसकी क्या रूपरेखा है? देखिए, केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि कानून लाए हैं, कृषि बिल पारित किया है, उसके विरोध में आज हम लोगों ने पदयात्रा निकाली है। सब किसान हैं, कांग्रेस जन हैं, और कांग्रेस जन किसानों के सम्मान में, अन्नदाताओं के सम्मान में खड़ी है। आज दिल्ली में जो आंदोलन हो रहा है, और दिल्ली के आंदोलन में जो केंद्र की सरकार है वो बिल्कुल आँख मूंद कर सोई हुई है, और हमारे अन्नदाता परेशान हो रहे हैं। जो 3 कृषि कानून जो लागू किया गया है उसमें मैं बताना चाहूँगी कि वो कहीं भी किसी भी तरीके से किसान के हित में नहीं है, और उसको वापस लेने के लिए आज हम लोगों ने कस्तूरबा ट्रस्ट बेलसुंडा से लेकर आज जिलाधीश कार्यालय तक हम लोगों ने पदयात्रा की है। लगभग ये 18 किलोमीटर लगभग हमारी पदयात्रा है, और इसमें पूरे जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता, चारों विधायक, हमारे आदरणीय सभी जिला पदाधिकारी और हमारे सभी कांग्रेस जन, सारे किसान, सारी बहनें हमारी इसमें शामिल हुई। इस किसान कानून के माध्यम से किसानों को किस तरह के नुकसान? देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो किसान की मांग हो रही है, जैसे एमएसपी जो लागू करना चाहिए वो लागू हमारी केंद्र सरकार नहीं कर रही है, वो बिल की खामियाँ हैं। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत सिर्फ अडानी अंबानी और ऐसे उद्योगपतियों को लाभ दिलाने की कोशिश की जा रही है, जिसका हम लोग भरपूर विरोध कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका पूरे हिंदुस्तान के किसान इस पर मिलकर विरोध कर रहे हैं, और हम सब आंदोलनरत होकर के उसके समर्थन। लगातार विरोध के बाद भी केंद्र सरकार अपने निर्णय बदलने के लिए नजर नहीं आ रही की देखिए, यही तो बात है कि जब किसानों के जब सत्ता में आई, तब किसानों के बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार, महंगाई को लेकर बातें करने वाली सरकार, आज आप देखिए पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। आज आप देखिए, जिस गैस सिलेंडर को थोड़ी सी भी महंगाई होती थी तो हमारे बड़े बड़े कांग्रेस भाजपा के मंत्री रोड में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज वो सब उसी रसोई गैस में बढ़िया अच्छे से किसानों के सम्मान में है। और हमें बहुत बहुत ही लज्जा आती है सुन करके कि किसानों के सम्मान की बात करने वाली, महंगाई के लिए बात करने वाली सरकार आँख मूंद करके आज चुपचाप बैठी हुई है, और किसानों के हक की बात करने पर हमको आंसू गैस के गोले फेंकती है, उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी फेंकती है, और उनके लिए इतने ठंड में हमारे किसान आंदोलन थे, उसके बावजूद उन पर कोई राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप कर क्या मांग की है? हमने यही मांग की है कि जो 3 कृषि कानून है, कृषि भी है, उनको वापस लिया जाए, और हमारे किसान जो सम्मान उनको दिया जाए। अगर किसानों के हक में लड़ाई नहीं आगे किस तरह का विरोध? हमारी लड़ाई जारी रहेगी, लगातार जारी रहेगी, पूरे जिला स्तर पर हमारे चारों विधायक के साथ में हम सब लगातार आंदोलनरत रहेंगे, और जब तक कृषि बिल को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। कृषि कानून को लेकर लगातार विरोध हो रहा है, क्या लगता है आखिर केंद्र सरकार क्यों अड़ी है और क्यों जो है अपने ये कानून नहीं बदलना चाहती? देखिए, यह बात सर्वमिलित है। पहली बात तो यह है कि किसानों ने इस बिल की कभी मांग नहीं की भारत देश के अंदर, तो जब किसान मांग नहीं रहे तो केंद्र सरकार आखिर बिल लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। निश्चित रूप से केंद्र सरकार इसलिए नहीं मांग रही है कि केंद्र सरकार की नीति निर्धारण जो है अडानी अंबानी कर रहे हैं, और आज़ादी के बाद पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि अब किसान खेती से बाहर होंगे और अडानी अब खेती करने आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि देश को लूटने की साजिश है। आप देखे होंगे, जब भी कोल्ड स्टोरेज में खाद्य सामग्री जाम होती है तो निश्चित रूप से महंगाई बढ़ती है, जिसके लिए भारत के संविधान में जो व्यवस्था दी गई थी, निश्चित मात्रा की ज़्यादा आप भंडारण नहीं कर सकते, वो व्यापक रूप से भंडारण का छूट दिया गया है, और भंडारण के लिए नागपुर में अडानी ग्रुप का गोडाउन बनना चालू हो गया है। बिल आने के पहले गोडाउन का निर्माण हो रहा है, इससे स्पष्ट है कि इस कानून को पूरी खाका तैयार करने वाला केंद्र सरकार केवल और केवल इसको पारित की है, और बनाने वाला कानून अपने हित में अपने हिसाब से कोई कानून बनाया है इस देश में, तो आज व्यापारी बना रहे हैं, उद्योगपति बना रहे हैं। आप इसके पहले भी आप देख लीजिए, किसानों की आय दोगुनी की बात केंद्र सरकार की थी, लेकिन ये रिकॉर्ड से प्रमाणित है कि देश के अंदर 5 उद्योगपतियों के जितने कर्जे माफ़ केंद्र सरकार के द्वारा किए गए हैं, उतनी धनराशि पे पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ हो सकता था। ये किसान विरोधी है, किसान को लूटना चाहती है, और एक तरफ छत्तीसगढ़ की सरकार
दो घंटे के अंदर 11,000 करोड़ की कर्जा माफ करने वाला कोई मुख्यमंत्री है देश के अंदर तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है। 10,000 रुपया एक एकड़ में किसान न्याय योजना के तहत देने वाली कोई सरकार है वो छत्तीसगढ़ सरकार है। और मेरा दावा है अगर माननीय भूपेश बघेल जी का नीति को अगर दिल्ली की सरकार लागू कर देती है तो 1 मिनट में किसान आंदोलन समाप्त हो सकती है।